अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फन वर्ल्ड। मेरा नाम है आसफा टीमा। आईटी टेलीकॉम अपडेट्स में आप सबको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, चलते हैं हमारी आज की आईटी टेलीकॉम अपडेट्स की हेडलाइंस की तरफ। हमारी आज की जो फर्स्ट अपडेट है वो है नोकिया 7.1 के हवाले से, कि वो जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है उसके कुछ स्पेक्स और फीचर्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट है वो है इंस्टाग्राम नेम टैग फीचर के हवाले से, कि इंस्टाग्राम की तरफ से नेम टैग फीचर जो है वो लॉन्च किया गया है। देखते ही है कि उस नेम टैग फीचर में जो है वो हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूँ, हमारे पास जो आज की थर्ड अपडेट है वो है गूगल असिस्टेंट की तरफ से। आप जो है वो इजीली कोई भी राइड जो है वो बुक करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास आज की आईटी टेलीकॉम अपडेट्स की हेडलाइंस। चलते हैं इनकी डिटेल्स की तरफ। व्यूअर्स, हमारी आज की फर्स्ट अपडेट है नोकिया 7.1 के लॉन्च के हवाले से, जो कि रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है और ऑफिशियली तो इसको लॉन्च कर दिया गया है और इंडिया में भी इसको जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। तो सबसे पहले इसके जो है वो कुछ एस्पेक्ट्स और फीचर्स देख लें। बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो डिस्प्ले साइज़ जो है वो इसका 5.84 इंचेस का जो है वो इसका डिस्प्ले साइज़ दिया गया है। उसकी अगर एस्पेक्ट रेशियो देखें तो वो 19.9 जो है वो एस्पेक्ट रेशियो बताई जा रही है। और व्यूअर्स, मैं आपको इसके अगर कैमरास के बारे में बताती चलूँ तो इसके बैक पर जो है वो आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि 12 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल है। इसके अलावा अगर हम इसके फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो आपको 8 मेगापिक्सल जो है वो इसका फ्रंट कैमरा नज़र आएगा। और व्यूअर्स, ये दो वेरियंट्स में जो है वो लॉन्च किया गया है 3GB रैम के साथ और 4GB रैम के साथ। और जो 3GB रैम की स्टोरेज है वो है 32GB और 4GB रैम की जो स्टोरेज है वो है 64GB। व्यूअर्स, काफ़ी अच्छे स्पेक्स और फीचर्स के साथ इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिया गया है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसकी बैटरी के हवाले से तो वो बताई जा रही है कि 3060mAh की जो है वो इसकी बैटरी है और काफ़ी ज़्यादा कलर्स भी इसमें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। और अगर हम इसकी प्राइस को देखें तो वो 42K से 49K तक जो है वो इसकी दोनों वेरियंट्स के लिए इसकी जो है वो प्राइस बताई जा रही है। तो आई गेस व्यूअर्स, देखते ही हैं कि ये स्मार्टफोन जो है वो पाकिस्तान में कब लॉन्च होता है और तमाम नोकिया लवर्स के लिए जो है वो ये स्मार्टफोन उनको जो है वो किस तरह का लगता है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की फर्स्ट अपडेट। चलते हैं हमारी आज की सेकंड अपडेट की तरफ। हमारी आज की जो सेकंड अपडेट है वो है इंस्टाग्राम के एक फीचर के हवाले से, जो कि रिसेंटली जो है वो लॉन्च किया गया है। इंस्टाग्राम में एक फीचर जो है वो लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेम टैग का फीचर। जी हाँ, ये फीचर जो है वो पहले आप फेसबुक में, ट्विटर पर या स्नैपचैट पर देखते थे। ये फीचर बिल्कुल एक QR कोड की तरह है जिससे आपका अकाउंट जो है वो इजीली स्कैन किया जा सकता है, उसको इजीली जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। जी हाँ व्यूअर्स, एक जो है वो नेम टैग जो है वो आपके फ़ोन पर, आपके फ़ोन की स्क्रीन पर जो है वो शो होगा, जो कि बिल्कुल एक QR कोड की तरह अपेयर होगा। और व्यूअर्स, अगर आप अपना ये नेम टैग जो है वो चेक करना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाकर इसको जो है वो नेम टैग पर क्लिक करेंगे तो आपका नेम टैग जो है वो ईजिली आपको शो हो जाएगा। और व्यूअर्स, अगर आप किसी और का जो है वो QR कोड स्कैन करना चाहते हैं तो आप अपने कैमरा को स्वाइप राइट कीजिएगा, आप उस पर फोकस कीजिएगा और अपनी स्क्रीन पर जो है वो होल्ड डाउन कीजिएगा तो आप ईजिली जो है वो किसी और का QR कोड भी जो है वो स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये फीचर जो है वो तमाम इंस्टाग्राम यूज़र्स का iOS डिवाइसेस पर भी और इसके अलावा एंड्रॉयड डिवाइसेस पर भी जो है वो रोल आउट कर दिया गया है। और ये फीचर जो है वो रिसेंटली येस्टरडे ही रोल आउट हुआ है। तो आई गेस तमाम जो है वो इंस्टाग्राम लवर्स के लिए एक नया फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, तो उनको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसके अलावा व्यूअर्स, हमारी आज की जो लास्ट अपडेट है वो है गूगल असिस्टेंट के एक नए फीचर के हवाले से। जैसे कि आप गूगल असिस्टेंट में काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स जो हैं वो देख रहे हैं, आप बहुत सारे काम अपने जो है वो गूगल असिस्टेंट से कर सकते हैं, लेकिन गूगल असिस्टेंट में पहले ये फीचर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था कि आप अपने गूगल असिस्टेंट से जो है वो राइड बुक कर सकें। जी हाँ, जैसे कि आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये राइड सर्विसेज दी गई हैं, लेकिन आप जो है वो गूगल असिस्टेंट से पहले इसको अवेल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो गूगल असिस्टेंट से भी आप जो है वो राइड बुक करवा सकते हैं। आपको जस्ट इतना कहना है, हे गूगल, बुक मी एन ऊबर और बुक मी आर राइड और बुक मी आर टैक्सी। तो आप ये जो है वो जेस्चर्स बोल के, ये लाइंस बोल के जो है वो आप इजीली गूगल असिस्टेंट से एक राइड जो है वो बुक कर सकते हैं। तो आई गेस काफ़ी अच्छा फीचर गूगल असिस्टेंट की तरफ से भी मज़ीद आपकी जो है वो राइड्स को कन्वीनियंट बनाने के लिए आपके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और जब आप ये बोलेंगे तो आपके सामने जो है वो काफ़ी ज़्यादा राइड सर्विसेज की लिस्ट आ जाएगी, आपकी मर्ज़ी आप कौन से चूज़ करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आपको फेयर भी जो है वो शो कर दिया जाएगा और आपको जो है वो वेट टाइम भी बता दिया जाएगा कि आपको उस राइड के लिए कितना वेट करना है।
तो ये गूगल असिस्टेंट की तरफ से हमारे पास लेटेस्ट अपडेट रिसीव हुई थी जो आपके साथ शेयर की गई है। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की आईटी टेलीकॉम अपडेट्स। उम्मीद करती हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। सी यू सून विद न्यू टॉपिक विद न्यू इंटरेस्टिंग अपडेट्स। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।